हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गाइस कि अगर आपके फेसबुक के अंदर आपको कुछ इस टाइप का एरर शो होता है, यू कैन नॉट यूज़ दिस फीचर राइट नाउ, और फ्रेंड्स आपको कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम शो हो रही है, सो आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं एंड कैसे सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, ये एरर आपको किस लिए शो होता है, इसका रीज़न क्या है, वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये एरर इसलिए शो होता है कि आप रेगुलरली फेसबुक पर किसी को कमेंट करते हैं या फिर लाइक करते हैं लगातार आप, या फिर किसी को शेयर पोस्ट करते हैं, तो रेगुलरली आप कंटिन्यू ऐसे करते जाते हैं, तो इसलिए आपको ये एरर शो हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ऐप्स एप्लीकेशन या फिर ऐप मैनेजर नेम से ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स, तो अब आपके सामने मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो सब शो होगी यहाँ से। तो आपको फेसबुक पर क्लिक करना है। फेसबुक पर जैसे क्लिक करते हैं, अब यहाँ से आपको स्टोरेज एंड कैशे पर क्लिक करना है। फर्स्ट में आपको यहाँ से क्लियर कैसे पे क्लिक कर देना है एंड अब आपको क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करना है और अपना फेसबुक का क्लियर स्टोरेज कर लेना है। इसके बाद है गाइज, आपको फेसबुक आईडी है वो लॉगिन करनी होती है अगेन, तो आपको क्लियर स्टोरेज करने के बाद अगेन अपनी फेसबुक आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब क्या करना होगा फ्रेंड्स, अब आपको अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है, सर्च बार में फेसबुक सर्च करना होगा एंड यहाँ से अगर फेसबुक अपडेट बताता है सो फेसबुक को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स अब क्या करना होगा फ्रेंड्स, अब आपको अभी भी आपको प्रॉब्लम शो होती है सो आपको क्रोम एप्लीकेशन ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है facebook.com या फेसबुक लॉगिन सर्च करके यहाँ से अपनी फेसबुक आईडी भी लॉगिन आप कर सकते हैं। एंड बैक आने के बाद अब आपको फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करनी है और फ्रेंड्स आपको चेक कर लेना है कि आपको एरर शो हो रहा है या नहीं। अगर गाइज आपको फिर भी एरर शो होता है तो आपको क्या करना है, अब आपको अपने इंस्टाग्राम टीम को है जो रिपोर्ट करना होगा, वो आप कैसे करेंगे, आपको प्रोफाइल पेज पे आने के बाद टॉप पर 3 लाइन मिलती है, 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। अगेन रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करना है, फिर से रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से इंक्लूड पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड इशू टाइप करना है फ्रेंड्स, कुछ भी आप कर सकते हैं। एंड अब आपको यहाँ से जो आपकी प्रॉब्लम शो हो रही थी उसका स्क्रीनशॉट ऐड कर देना है, अपलोड फ्रॉम फोन पे क्लिक करना है और स्क्रीनशॉट ऐड कर लेना है एंड यहाँ पर डिस्क्राइब द इशू लिखना है, आपको लिख देना है फ्रेंड्स अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इस इशू है, डियर फेसबुक टीम मैं फेसबुक और जो आपकी प्रॉब्लम शो रही है जिसमें लिखा हुआ है वो सारा यहाँ पर लिख देना है। एंड उसके बाद आपको टॉप पर सेंड रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, सेंड का एरो मिलता है, सेंड पे क्लिक करना है। ये रिपोर्ट फेसबुक टीम के पास चली जाती है और फ्रेंड्स वो कुछ ही टाइम के अंदर आपके फेसबुक में जो आपको एरर मिल रहा था, शो हो रहा था, ये प्रॉब्लम 101% फिक्स हो जाएगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है सो वीडियोस को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।